हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेडिएशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, ऑप्शन इज है रेडिएशन, इमिसिबिलिटी, इमिसिव पावर एंड नन ऑफ दीज। तो जो रेडिएशन है हमारा यहाँ पर, देखिए रेडिएशन हमारा एक हीट ट्रांसफर मोड है। तो रेडिएशन में हमारा क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस अ सिस्टम बाउंड्री बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म व्हिच इज कॉज्ड सोली बाय अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो रेडिएशन में जो हमारा किसी भी सिस्टम बाउंड्री से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म थ्रू होता है। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है हमारी रेडिएशन की। नेक्स्ट है हमारी इमिसिविटी। तो इमिसिविटी किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जो हीट को रेडिएट करती है। और इमिसिव पावर जो होता है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो राइट ऑप्शन इज हियर इमिसिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमिसिविटी इज, तो एमिसिविटी हमारी क्या होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एमिसिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेडिएट हीट। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। यानी कि किसी भी बॉडी की इमिसिव पावर और ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, इमिसिविटी। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, किसी भी बॉडी की इमिसिव पावर अपॉन ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। तो जो हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है, तो वो हमारा क्या होता है, ई बी इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम सिग्मा को यहाँ से देखेंगे तो ई बी अपॉन टी की पावर 4 आ जाएगा। ईवी को अगर देखें तो सिग्मा टी की पावर 4, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। और टी की पावर 4 को अगर यहाँ से देखें तो ईवी अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो हमारा होता है 5.67 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर × कैलोरी की पावर 4। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन द बॉडी आर रिफ्लेक्टेड इट इज कॉल्ड। अगर किसी भी बॉडी पे जो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन हो रहा है वो अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, तो वो बॉडी हमारी क्या कहलाएगी, व्हाइट बॉडी। क्योंकि ब्लैक बॉडी हमारी एब्जॉर्ब कर जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है, और जो ओपेक बॉडी होती है वो हमारी ट्रांसमिशन नहीं होता है, और जो हमारी व्हाइट बॉडी होती है वो टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, व्हाइट बॉडी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ब्लैक बॉडी हैव विच टाइप प्रॉपर्टी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है, देखिए ट्रांसमिट्स ऑल द पार्ट्स, नहीं रिफ्लेक्ट ऑल द पार्ट्स, नहीं एब्जॉर्ब ऑल द पार्ट्स, ऑल ऑफ द। तो ब्लैक बॉडी जो होती है वो हमारे इंसिडेंट रेडिएशन के टोटल अमाउंट को एब्जॉर्ब कर जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब ऑल द पार्ट्स। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू के की पावर 4, जैसा कि अभी मैंने यहां आपको बताया था। तो यहां से ये देखिए, जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन, यानी कि
राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन वॉट पर मीटर स्क्वायर इन टू के की पावर 4। अगला क्वेश्चन हमारा इमिसिव पावर इज एक्सप्रेस्ड इन, तो जो हमारी इमिसिव पावर होती है वो किसमें एक्सप्रेस की जाती है, तो इमिसिव पावर हमारी वॉट पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस की जाती है। तो इसे हम इस तरह से ही समझ सकते हैं, जो रेडिएंट एनर्जी होती है हमारी, इमिसिव पावर हमारा क्या होता है, इमिसिव पावर इज डिफाइंड एज अ टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये हमारी वॉट पर मीटर स्क्वायर में इस तरह से कन्वर्ट होती है। देखिए रेडिएशन हमारी क्या है, एनर्जी है, यानी कि हम इसे किस में लेंगे, जूल, और पर यूनिट एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, पर यूनिट टाइम यानी कि सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड हमारा क्या हो गया, वॉट हो गया। देखिए तो एनर्जी हमारी जूल में हो गई, टाइम हमारा सेकेंड में हो गया यानी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, और जूल पर सेकेंड हमारा क्या हो गया, वॉट, यानी कि वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो इमिसिव पावर हमारी वॉट पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ अ सरफेस डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर, एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड। तो जो हमारी ग्रे बॉडी होती है, तो देखिए व्हाइट बॉडी में हमारी जो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ओपेक में हमारी ट्रांसमिटिविटी जीरो होती है, ब्लैक बॉडी में हमारी एब्जॉर्प्टिविटी, सारी जो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और ग्रे बॉडी में जो हमारी एब्जॉर्प्टिविटी होती है सरफेस की वो टेम्परेचर और इंसिडेंट रेडिएशन के वेवलेंथ के साथ वेरी नहीं करती। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रे बॉडी हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, फॉर एनी ओपेक बॉडी द इक्वेशन इज, तो ओपेक बॉडी के लिए ट्रांसमिटिविटी हमारी जीरो होती है, और इक्वेशन हमारी क्या होती है, अल्फा प्लस रो प्लस ट्रांसमिटिविटी इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस रो इक्वल्स टू 1। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस रो इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे हीट ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे।